और ब्राह्मण क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। राम का खाना क्या था कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। भगवान राम पर ये आपत्तिजनक बयान देने वाले भाषे हैं एनसीपी के नेता जितेंद्र आभा। एक और अयोध्या में भव्य राम मंदिर के इनॉग्रेशन में बस कुछ ही दिन बचे हैं, वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस के विपक्षी नेता लगातार हिंदू विरोधी बयान दे रहे हैं। और अब इस लिस्ट में नया नाम जुड़ गया है शरद पवार के गुटवाली एनसीपी के नेता जितेंद्र आभाट का। जितेंद्र आभाट ने भगवान राम पर एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया और ये दावा कर दिया कि राम एक क्षत्रिय थे और क्षत्रियों का खाना ही मांसाहार होता है। लेकिन जिस अंदाज में जितेंद्र आभाट ने यह बयान दिया उस पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। रेस नहीं था। तब खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। लेकिन आप कह रहे हैं इसको लेकर कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं होती आपको नजर नहीं आ रही, क्योंकि क्या कंट्रोवर्सी क्या राम का खाना क्या था कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। आप अपने कहे पे कायम है बिल्कुल, इसको कभी कायम है। भारत को शाकाहारी बनाना चाहते हैं क्या? इस देश के 80% लोग आज भी मांसाहारी है, वो राम भक्ति है ना। जितेंद्र आभाट के इस कॉन्ट्रोवर्शियल बयान के बाद अजीत पवार के गुटवाली एनसीपी और बीजेपी ने पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। थाली में परोस कर दिए गए इस मौके को बीजेपी ने फौरन लपक लिया और बीजेपी नेता राम कदम ने बताया कि विपक्षी नेताओं की यही मानसिकता है, वो भगवान राम में आस्था ही नहीं रखते और इसी वजह से लगातार भगवान राम के खिलाफ और हिंदू धर्म के खिलाफ बयान दे रहे हैं। देखिए ये जो घमंडी अलायंस है उनके नेता और उनके साथी दल के नेता, इनका एक माइंडसेट तय है कि जो करोड़ों करोड़ों राम भक्तों की जो श्रद्धा है आस्था है उनकी भावनाओं को आहत करे, भगवान राम के प्रति अभद्र वाणी का प्रयोग करते हुए मनगढ़ंत बेहूदी बातें कहें। क्या तर्क है? क्या वाल्मीकि रामायण में आया है या तुलसीदास ने लिखा रामचरितमानस में आया, कहाँ आया है, कौन सा प्रमाण है? कम से कम ये तो सोचते कि भगवान राम को मांसाहारी बताने के पहले जब तुम्हारे घर में कोई पूजा विधि विधान होता है, धार्मिक अनुष्ठान होता है, तो मांसाहार करने वाला व्यक्ति उस दिन नहीं करता। मंदिर में भी जाना है और तो मांसाहार किया है तो व्यक्ति विशेष टाल देता है मंदिर जाना, क्या ये भी वो भूल गए? शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आभाट के बयान पर राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी कहा कि एनसीपी के नेता जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान राम जब वनवास के लिए गए थे तो उन्होंने मांस खाया। एनसीपी के जो नेता जितेंद्र आभाट बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, झूठा बोल रहा है। कभी भी किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान जब वनवास गए थे तो मांसाहारी थे, और सभी जगह लिखा है कंदमूल फल खाते थे। वो 14 वर्ष तक जो वनवास में रहे वहाँ सभी प्रकार के जो कंदमूल और फल मिलते थे वही खाते थे, शाकाहारी थे। और हमारे शास्त्र में उसका वर्णन है और शास्त्र ही प्रमाण है, इसलिए जो जितेंद्र बोल रहे हैं कि एनसीपी के नेता कि भगवान राम जब 14 वर्ष वनवास में रहे तो वहाँ वो मांसाहारी थे, ये झूठ है, एकदम गलत है। वैसे आपको बता दें कि जितेंद्र आभाट के पहले कई और विपक्षी नेता भी भगवान राम और हिंदू धर्म के खिलाफ बयान दे चुके हैं। इस लिस्ट में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं। जाहिर सी बात है कि अगर विपक्षी नेता ऐसे बयान देते रहेंगे तो इसका नुकसान उन्हें चुनावों में उठाना पड़ सकता है। मैं हूं पारस कोठारी और ऐसी ही ट्रेंडिंग खबरें और उनका एनालिसिस जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़।